हे कोडर, रनेश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ दिस के तीन यूज केसेस। मैं पहली तीन यूज केसेस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो पहले के जो तीन यूज केस थे उसके ऊपर वीडियो बन गई थी। अब बाकी के बच्चे जो तीन यूज केस हैं उसके ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले नमस्ते हैं, क्या होने वाला है आज? देखो, ये तीन वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। दिस कैन बी यूज टू रेफर करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, जिसके अंदर मैं बताया था कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। दिस कैन बी यूज टू इनवोक करेंट क्लास मेथड, जो करंट क्लास मेथड था उसको इन्वोक करने के लिए काम आता है, हालांकि इसका कुछ खास यूज केस था नहीं। दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ये काफ़ी यूजफुल रहा था कि हम बार बार ओवरराइट करने से, मतलब चीज़ों को बार बार लिखने से बच रहे थे यहाँ पर। अब ये जो तीन यूज केस है ना, मैं एक साथ समझाने वाला हूँ, क्योंकि ना बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं इनके ऊपर, तो इंडिविजुअल वीडियो बना के कुछ मिलेगा नहीं फायदा। बट हाँ, इन तीनों को अगर मैं एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ तो इनके ना लिंक आपस में आप कनेक्ट कर पाओगे, ये डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, 4-5 6 आपस में क्यों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ये तीनों यूज केस मैं आपको एक साथ समझाने वाला हूँ आज। देखो, सबसे पहले ना, दिस कैन बी यूज टू पास एन आर्गूमेंट इन अ मेथड कॉल, ये कहना चाहता है कि आप दिस को ना ऐसा मेथड कॉल पास कर सकते हो, मतलब किसी फंक्शन के अंदर आप मेथड के अंदर पास कर सकते हो। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे दो टाइप की क्लास लिखी थी, अगर आप याद हो, एक सम बनाया था और एक बनाया था रेक्टेंगल। तो दो क्लास बनाई थी मैंने यहाँ पर, ये रही क्लास वन और ये रही मेरी क्लास टू। तो ये कहना चाहता है कि आप एक मेथड कॉल के अंदर दिस को पास कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, प्रिंट डायमेंशन, ये प्रिंट डायमेंशन करके एक फंक्शन बनाया था मैंने, यहाँ पे क्या रखा था प्राइवेट, मैं अपने आप को इस साइड ले जाता हूँ। ओके, ये देखिए फंक्शन है हमारा रेक्टेंगल। तो पिछली क्लास के अंदर ये पूरा बना था, इसके अंदर एक ये हमारे कुछ कीवर्ड्स थे एक्स वाई एच ओ डब्ल्यू, और यहाँ पे एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था रेक्टेंगल, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया था, और यहाँ पे भी एक और कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसके अंदर से मैं फंक्शन कॉल कर रहा था प्रिंट डायमेंशन वाला। अब प्रिंट डायमेंशन के अंदर ना मैं चाहूँ तो यहाँ पे दिस पास कर सकता हूँ, और ये क्या करेगा, एक आर्गुमेंट को रिसीव करेगा यहाँ से, रेक्टेंगल नाम के एक आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा। और अब मैं ना इस ऑब्जेक्ट के एक्स को प्रिंट कर सकता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के एच को प्रिंट कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं दिस के भी प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि दिस तो इसे डायरेक्ट एक्सेस कर ही सकता है ना, मैं तो सेम क्लास के अंदर बैठा हुआ हूँ। अगर मैं सेम क्लास के अंदर बैठा हुआ हूँ तो मैं इस एक्स वाई को तो एक्सेस कर ही सकता हूँ किसी मोमेंट पे, ये दिस वाला इस वाई को, जस्ट अ मिनट, ये जो दिस वाला है ये इस वाई को कभी भी एक्सेस कर सकता है, और ऑब्जेक्ट वाला ना थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले ये इस दिस के सहारे इस एक्स को एक्सेस कर रहा है, हालांकि दोनों सेम पॉइंट को एक्सेस कर रहे हैं। अब आप सोचोगे, जब यहाँ पर यार मैं डायरेक्टली एक्स को एक्सेस कर सकता हूँ तो मैं उसको बाई ऑब्जेक्ट क्यों करूँगा? बात बिल्कुल जेन्युइन है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, जब आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो तो आप इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू क्यों करोगे? ये अभी आपको ना इसका जो आगे वाला यूज केस है हमारा, सेकेंड लास्ट यूज केस, दिस कैन बी पास एन आर्गुमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर कॉल, इसके अंदर आपको चीज समझ में आएगा। मैं यहाँ पे ना दो क्लास के बीच में इंटरेक्शन करके आपको दिखाता हूँ अब, जैसे कि पहले तो इसको चला के देखते हैं क्या ये वर्क करेगा, तो वर्क करके देखते हैं, और ये बिल्कुल बिंदास वर्क कर रहा है हमारा। अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर पास कर देता हूँ 2, 3, तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। देखो, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया, ऑब्जेक्ट का एक्स भी प्रिंट हुआ, और अगर मैं यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट पास कर दूँ और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट पास कर दूँ, बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। बट यहाँ पे सो रेलेवेंस अच्छे समझ में नहीं आ रहा कि रेलेवेंस क्या रहा। आपने यहाँ पे दिस पास किया, बेसिकली आपने एड्रेस ही पास कर दिया, बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया 4k, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 4k.x। अब आप सोचोगे, या जो मैंने 4k पास किया ही था, और पहले भी तो यहाँ पे this.x ही लिखा हुआ था, this.x, और ये मैं आपको पहली वीडियो में समझा चुका हूँ, जब मैंने ये वाली वीडियो एक्सप्लेन की थी, ये वाली जो वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आप उस वीडियो को जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार वहां पे मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, दिस और एड्रेस के अंदर कोई फर्क होता ही नहीं है, वो दोनों ही सेम बातें होती हैं। यानी कि स्टैक के ऊपर अगर आपने कोई क्लास बनाई उसका एड्रेस 4k है, तो ये जो पॉइंटर होता है s0, ये इस 4k को ही पॉइंट कर रहा होता है, और ये 4k ही मेरा दिस होता है, कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों बातों के अंदर। जब कोई डिफरेंस ही नहीं है तो मैं चाहे ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे कॉल करूं या फिर मैं किसी दिस के थ्रू उसे कॉल करूं, क्या फर्क पड़ता है ना? तो यहाँ पे इसका कोई रेलेवेंस नहीं आता, बट इसका रेलेवेंस ना दूसरे फंक्शन में बहुत आता है। दूसरे फंक्शन में कैसे आता है ये देखिए, मैं यहाँ पर प्रिंट डायमेंशन कर लेता हूँ, और अब मुझे ना यहाँ पर सर्कमफेरेंस निकालना है, मुझे निकालना है सर्कमफेरेंस नहीं, वो तो सर्कल के अंदर निकलता है, मुझे निकालना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए मुझे कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेगी, हाइट और विड्थ निकालनी पड़ेगी, बट मैं इतना जानता हूँ कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 times ऑफ हाइट प्लस विड्थ, राइट? तो अगर मैं हाइट प्लस विड्थ प्लस हाइट प्लस विड्थ कॉल कर दूँ तो काम हो जाएगा, आई थिंक हो जाना चाहिए। तो अगर आप पैरामीटर निकालना चाहते हो तो आप
यहाँ पर क्या करो, चलो ठीक फंक्शन ही बना लेते हैं, इस क्लास के अंदर जाके मैं फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ पैरामीटर नाम का, और आते ही सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं हम पब्लिक इंट पैरामीटर, इसको क्या चाहिए होगा हाइट और विड्थ, और ये आंसर क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर आते ही, जैसे ही मुझे हाइट और विड्थ यहाँ पे मिलेगा, जैसे ही मुझे यहाँ पे अपना हाइट और विड्थ की वैल्यू सेट होकर मिलती है, हाइट और विड्थ यहाँ पे नहीं, पैरामीटर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा हूँ, मतलब पैरामीटर के अंदर मुझे रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और या फिर इसको मैं नाम दे दूँ रैक, रेक्टेंगल आ गया मेरे पास। अब क्योंकि मेरे पास ये रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब मैं इसके सहारे क्या कर सकता हूँ, इसे कॉल लगा पाऊंगा। देखिए अब कैसे, अगर मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट करना हो, जैसे कि पहले इंट रिजल्ट बनाता हूँ, वो होगा मेरा रैक डॉट हाइट प्लस में रैक डॉट विड्थ, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, और जो भी मेरा रिजल्ट यहाँ से क्रिएट हुआ मैंने उस रिजल्ट को यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब देखो आपने यहाँ पे रेक्टेंगल नाम का कोई ऑब्जेक्ट कभी बनाया ही नहीं, मैंने कहीं नहीं बनाया, बट मैं इसको पास कर रहा हूँ, इसको एक रेक्टेंगल नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, रेक्टेंगल के अंदर इसको हाइट और विड्थ मिलेगी और मुझे उसका पैरामीटर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पैरामीटर निकालने के लिए सिर्फ हाइट विड्थ की ही रिक्वायरमेंट होती है ना। और एक और लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना चाहता हूँ, और मैं इसी फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रैक डॉट एच क्रॉस में रैक डॉट डब्लू के, और यहां से मैंने अपना रिजल्ट रिटर्न कर दिया। ठीक है जी, अब देखिए आप इधर आते हो, अब आप इधर आते ही क्या कर सकते हो, एक फंक्शन से ना आप यहाँ पर दिस एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हो। अगर कोई मुझसे मांगेगा यहाँ पर कि मुझे एक रेक्टेंगल का ना एरिया चाहिए या फिर सम चाहिए, तो मैं इस फंक्शन के थ्रू, मतलब मैंने एक दूसरी क्लास के अंदर लॉजिक लिखा है प्लस करने का मल्टीप्लिकेशन करने का, कोई दूसरी क्लास है वो, उसके अंदर मैंने लॉजिक लिख रखा है, और मैं इस रेक्टेंगल नाम की क्लास है ना उसे कॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्रिंट डायमेंशन किया मैंने, और प्रिंट डायमेंशन करने के बाद मैं यहाँ पर सीसो कर देता हूँ, सीसो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में, अब मुझे यहाँ पे ना इसको कॉल करना है, इसको कॉल करना है, तो इसको कॉल करने के लिए मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ऑफकोर्स, तो मैं यहाँ पे सम नाम का एक एस करके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सम, एंड उसके अंदर मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ पास नहीं कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एडिशन कितना प्रिंट हो जाएगा मेरा 0 0, क्योंकि ऑफकोर्स हमने क्लास इस तरीके से ही डिजाइन कर रखी है। और साथ ही साथ अब मैं इस एस डॉट के अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कॉल करता हूँ और उसको पास कर देता हूँ दिस। अब देखो ये वाली बात समझ में आई आपको कि हम यहाँ पर दिस को पास कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट इन अ मेथड को, किसी मेथड को कॉल करने के लिए मैं दिस पास कर सकता हूँ एज एन आर्गुमेंट, और मैं यहाँ पे दो क्लास के बीच में इंट्रैक्शन करवा रहा हूँ, तो दो क्लास के बीच में इंट्रैक्शन कराओगे तो आपको इसको उसको ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा ना, जब तक इसके पास रेक्टेंगल नाम का ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, तो जब रेक्टेंगल का हाइट और विड्थ इसे मिलेगा कैसे, या तो मैं इसको एक्सप्लिसिटली अलग से भेजूं, अलग से मैं इसको हाइट और विड्थ निकाल के भेजूं, अगर मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही पास करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूं, तो मैंने इसको पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया यहां पर, ठीक है। एंड या फिर मान लो मैं प्रिंट डायमेंशन यहाँ पे नहीं करता हूँ, मैं प्रिंट डायमेंशन यहाँ करना ही नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मुझे प्रिंट डायमेंशन करने की जरूरत पड़े, एंड ये सब कुछ सेम रख लेते हैं दिस, और यहाँ पे भी दिस दिस और यहाँ पे भी दिस, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन और बनाता हूँ मैं अबकी बार, वो फंक्शन होगा मेरा पब्लिक इंट प्रिंट रेक्टेंगल इन्फो, एक रेक्टेंगल इन्फो करके मैंने एक फंक्शन बनाया, एंड उसके अंदर मुझे रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब आते ही सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले आते ही मैं इसका ना एरिया
निकाल लेता हूँ भाई, तेरा एरिया कितना है मुझे बता दे, उसको रैक पास कर देता हूँ। फिर मुझे बता दे तेरा पैरामीटर कितना है, उसको रैक पास कर देता हूँ। और फिर रैक के अंदर एक मेथड कॉल कर रखा है मैंने डिस्प्ले नाम का, रैक के अंदर एक मेथड बनाया होगा प्रिंट डायमेंशन करके, इसको मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ पे रैक डॉट प्रिंट डायमेंशन। अब आप देखो, और हाँ ऑफकोर्स ये मुझे रखना चाहिए वाइड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी क्लास है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर मैंने एक मेथड कॉल करा जो जाता है किसके पास, सम नाम के फंक्शन के अंदर। सम नाम का फंक्शन उसका एरिया निकालता है, सम नाम का जो क्लास है वही उसका पैरामीटर भी निकालता है, और वही क्लास उस सम क्लास में बैठकर उसने रेक्टेंगल को जाकर ऑर्डर दे दिया कि भाई तू अपना डायमेंशन प्रिंट कर दे। मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट, एक क्लास के अंदर बना हुआ वेरिएबल, एक क्लास के अंदर बना हुआ फंक्शन, ये दूसरी क्लास है मेरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्लास के अंदर वेरिएबल है, रेक्टेंगल क्लास के अंदर उसका फंक्शन है, और इस फंक्शन को कॉल कर रहा है कोई दूसरी क्लास में बैठा हुआ कोई दूसरा फंक्शन। अलग ही बात है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आया मैं इसके अंदर सम नाम की क्लास के अंदर, ये एक मेथड है प्रिंट रेक्टेंगल इन्फो, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करवा रहा है, वो से क्या ले रहा है, बस मेथड ले रहा है कि भाई मुझे ये बता दे ऑब्जेक्ट क्या, वो एड्रेस बता दे, क्योंकि अगर मुझे एड्रेस मिल गया ना मुझे सब कुछ मिल जाएगा, और फिर उसी का डायमेंशन प्रिंट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। एंड यहाँ से ये सब हटा दूँ मैं, अब ये सब फालतू चीज़ें इसको हटाते हैं, और एच डॉट अब मैं क्या करता हूँ, एच डॉट इसको इन्फो, इन्फो करके जो फंक्शन था हमारा इसको कॉल करके उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ दिस। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ और ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया, योर एडिशन रिजल्ट 0, ओरिजिनेट यहाँ पर है, डायमेंशन यहाँ पर है, ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं हुई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आया उसको हमने प्रिंट नहीं करा, तो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं बनाकर इसको क्या करता हूँ, सीसो एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिजल्ट और यहां पे आएगा पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और इसको बना लो वॉइड, एंड इसको बना लो आप वॉइड। अब आप यहां से इसे लगाओ कॉल, और यहाँ पर आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया, उसका ओरिजिन पता लग गया, उसका डायमेंशन पता लग गया। अब हुआ क्या एक्चुअली, अब ये देखिए ऐसा क्यों हुआ, अब पता लगाते हैं। मैंने यहाँ पे दिस को ऐसा पैरामीटर क्या पास किया, एक्चुअली पास हुआ क्या, जब मैंने यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल बनाया तो क्या हुआ, एक सम नाम का वेरिएबल बनता है वहाँ पर, मतलब बेसिकली रेक्टेंगल का बनाया था मैंने, रेक्टेंगल का एक वेरिएबल बनाया, तो रेक्टेंगल वेरिएबल बना रखा है इधर हमने मेन के अंदर, देखिए जाकर R1 नाम का एक वेरिएबल बना रखा है रेक्टेंगल टाइप का, और ये कुछ 4K एड्रेस पे बना था, 4K पे बना था, वहाँ पे क्या क्या था, X, Y, H, Width। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इधर आ गई मेरे पास, इसके अंदर एक मेथड है, इसके अंदर जब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर होता है, ये कंस्ट्रक्टर ने एक मेथड भी बना रखा है, ये मेथड ये रहा मेरे पास प्रिंट डायमेंशन, जिसको मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, उसको कॉल कोई और कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक सम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही मैंने इस मेथड के अंदर सम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये जो एस है इसने 5K एड्रेस पे जाकर एक चीज बना दी, मेमोरी एलोकेट कर दी। जैसे ही आपने इसके अंदर कुछ पास नहीं किया, इसने जाकर क्या कॉल करा यहाँ पर, एक एम्प्टी पैरामीटर, एक ऐसा पैरामीटर कॉल करा जिसके अंदर 0.0 पास करेगा, और मैं यहाँ पे पैरामीटर को अब कॉल कर रहा हूँ, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे ये वाली भी यूज हो रही है, दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने में काम आ सकता है। मैंने करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करा, इसने करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया, और इसने इस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया, और फाइनली ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो गई। तो सबसे पहली लाइन प्रिंट होगी, योर एडिशन रिजल्ट इज 10, करेक्ट है बिल्कुल। इसके बाद आप देखिए, जब ये लाइन प्रिंट हो जाती है तो ये वापस क्या कहाँ जाएगा, अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए आता है, लाइन नंबर 56 को एग्जीक्यूट करने के लिए आया। अब मैं जैसे ही लाइन नंबर 56 को एग्जीक्यूट करने के लिए आता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्या देखता हूँ, प्रिंट रेक्टेंगल इन्फो। अब प्रिंट रेक्टेंगल इन्फो को जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ इधर, इसके अंदर मैंने पास कर दिया दिस, तो यहाँ पर जो मैंने फंक्शन था ना, एक्चुअल में इसने इसके अंदर 4K एज एन आर्गुमेंट पास करके भेज दिया, मैंने एड्रेस ही 4K पास करके भेज दिया। अब जब मैंने इसको एड्रेस भेज दिया 4K, तो जब इसके पास रिसीव होगा
तो ये जो एक 4K नाम का एड्रेस है, ये किस टाइप का एड्रेस है? ये है एक रेक्टेंगल टाइप का एड्रेस। तो मुझे यहाँ पे 4K अब रिसीव हुआ है। अब अगर मुझे ये एड्रेस मिल गया तो क्या मैं इसका एक्स वाई हाइट विड्थ एक्सेस नहीं कर सकता हूँ? भाई अगर तो आपके पास एड्रेस आ जाए तो आप जो मर्जी एक्सेस कर लो। ये बिल्कुल उसके तरह ही हो गया कि गूगल ड्राइव के ऊपर मैंने एक फोल्डर बनाया, अगर मुझे उसका शेयरिंग लिंक मिल जाता है और उस शेयरिंग लिंक के अंदर मुझे एडिटिंग या फिर व्यू के राइट है, तो मैं उसको जहां मर्जी से एक्सेस कर सकता हूँ। मैं चाहे दुनिया में जहां मर्जी बैठा रहूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस लिंक से मतलब है। तो अगर मुझे लिंक मिल गया मैं उस फोल्डर को एक्सेस कर पाऊंगा, अगर मुझे एक्सेस करने के राइट है। तो इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे राइट है, क्योंकि मैंने सब कुछ पब्लिक कर रखा है, क्योंकि मेरे पास राइट है इसलिए पब्लिक कर रखा है मैंने, और यहाँ पर मैंने उसको एड्रेस दे दिया, बेसिकली लिंक प्रोवाइड कर दिया, तो मैं उस एड्रेस के सहारे उसके हाइट और विड्थ को एक्सेस कर सकता हूँ किसी और क्लास में बैठ कर, और वहां पे चीजों को मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ, रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और साथ ही साथ प्रिंट रेक्टेंगल इन्फॉर्मेशन। तो जब मैंने इसको कॉल किया तो इसके अंदर वो एड्रेस पास किया 4K, इसके अंदर वो एड्रेस पास किया 4K, उस 4K के थ्रू मैंने उसके हाइट विड्थ को एक्सेस कर लिया और फिर उसके डायमेंशन। अब इस 4K के अंदर ही एक मेथड भी तो बना रखा है प्रिंट डायमेंशन करके, वो प्रिंट डायमेंशन नाम के मेथड को वहां जाके मैंने कॉल करा और फिर उस प्रिंट डायमेंशन ने 4K फंक्शन यानी 4K एड्रेस के सारे उसको जाके कॉल कर दिया। मैं यहाँ पे चाहता तो मैं यहीं से उसके वेरिएबल को भी सेट कर सकता था, क्योंकि आपके पास एड्रेस आ गया। अगर आपके पास एड्रेस है तो आप एड्रेस का जैसे मर्जी गेम खेल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं गेम खेलने के। तो ये एक तरीका हो गया जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे आप एक दिस को एज अ मैथड कॉल कर सकते हो, मतलब दिस को एज अ मैथड कॉल करने का एक तरीका है ये, ठीक। तो अगर आप दिस को एज अ मेथड कॉल करना चाहते हो तो आप सेम फंक्शन में तो मतलब सेम क्लास में तो नहीं करोगे, कोई करने का सेंस नहीं बनता, बट हाँ दो क्लास के बीच में तो कर सकते हैं, या फिर दो या तीन क्लास चार क्लास के बीच में कर सकते हैं ये काम। मैं एक क्लास के अंदर बैठ के मैं दो तीन चार क्लास को अपने वेरिएबल्स अपनी एड्रेस को मैं ट्रांसफर कर पा रहा हूँ, और वो मेरे एड्रेस के सारे मेरे मेथड्स को और मेरे वेरिएबल्स को दोनों को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये फीचर कब मिल पाता है? जब आप दिस को पास कर पाते हो एज एन आर्गुमेंट इन अ मेथड कॉल। इसी तरीके से क्या मैं दिस को एज अ कंस्ट्रक्टर नहीं पास कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप इसको एज अ कंस्ट्रक्टर पास करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। देखिए कैसे, मैं जैसे ही यहाँ पर आया था मैं चाहता था कि मैं एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूँ, तो मैं वहां पर ना एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। यही काम करने के लिए अगर मैं इसमें से ये void नाम की चीज को हटा दूं और यहाँ पे sum नाम का एक constructor डिजाइन कर दूं, मतलब ये तो है ही मेरे पास फंक्शन, और मान लो मैं एक constructor और बनाता हूँ एंड उस constructor के अंदर मैं वहां पर आपकी बार रेक्टेंगल को रिसीव करता हूँ। बिल्कुल सेम वही इन्फो उसी तरीके से वर्क करेगा। ये एक रेक्टेंगल बनाया, अब मैंने इसके अंदर रेक्टेंगल को एक्सेस किया कंस्ट्रक्टर के अंदर, और उसके बाद मैंने जाकर प्रिंट इन्फो को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी। वही तो बात होगी, आप जैसे मेथड को कॉल कर रहे थे आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। अब फायदा क्या हुआ, मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे क्या पास कर देना चाहिए, दिस। अब मैंने यहाँ पे दिस पास कर दिया और मैं अपने डायमेंशन को चेंज कर देता, मैं डायमेंशन समथिंग 4.5.20.37 ले लेता हूँ। तो 4.5 पर जाके 20x37 का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। देखिए 4.5 पर 20.37 रेक्टेंगल बन गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इससे मैंने क्या करा, वो जो पहले प्रिंट 00 हो रहा था, याद है जब मैं इसको पहले वर्क करवा रहा था तो सबसे पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था और इस कंस्ट्रक्टर ने योर एडिशन रिजल्ट प्रिंट करवा दिया था। मैं ये नहीं चाहता था प्रिंट हो, तो मैंने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल किया कि जिस कंस्ट्रक्टर ने डायरेक्टली जाते ही सबसे पहले इसके रेक्टेंगल इन्फॉर्मेशन को जाके प्रिंट कर दिया। तो एक क्लास में बैठ के मैं दूसरी क्लास को कमांड दे रहा हूँ कि तुम लोग जाओ और उस चीज को प्रिंट करके लेकर आओ। तो मुझे फायदा क्या मिल रहा है यहाँ पर, मैं एक ही क्लास में बैठा हूँ और वो क्लास डिसाइड कर रहा है कि किसको कॉल करना है और किसको कॉल नहीं करना है। मतलब एक क्लास में बैठा क्लास ए में, और क्लास ए ने क्लास बी को कॉल लगा दिया और क्लास बी ने मेरे क्लास के अंदर क्या प्रिंट करना है, कौन से वेरिएबल को कैसे मैनिपुलेट करना है, वो सारा उस क्लास बी ने डिसाइड किया। जैसे कि रेक्टेंगल क्लास में बैठकर मैंने सम नाम की क्लास को कॉल किया, सम क्लास को जैसे ही मैंने एज एन आर्गुमेंट मतलब एज अ पैरामीटर जब मैंने उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसमें पैरामीटर मैंने रेक्टेंगल का दिस पास कर दिया, दिस पास किया, उसने दिस को रिसीव किया यानी 4K एड्रेस को रिसीव किया, और उसने उस 4K एड्रेस के सहारे मेरे एरिया को भी प्रिंट कर दिया, पैरामीटर को भी प्रिंट कर दिया और मेरे डायमेंशन को भी प्रिंट कर दिया, जो कि डायमेंशन नाम का फंक्शन मेरे फंक्शन के अंदर इस रेक्टेंगल नाम के फंक्शन के अंदर बना हुआ था। मतलब रेक्टेंगल नाम के फंक्शन के अंदर एक मेथड बना हुआ है और इस मेथड को मैं कॉल कर पा रहा हूं इस सम नाम के क्लास के थ्रू।
तो ये बहुत ही मतलब खूबसूरत सा रिलेशन हो जाता है ऊप्स का। मतलब ये ऊप्स का बहुत अच्छा फीचर है कि आप दिस पास करो किसी क्लास में बैठ कर दूसरे क्लास से आप कॉलिंग लगा सकते हो, आप मेथड्स को कॉल कर सकते हो, आप उसके उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर सकते हो, उसके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। ये सारी खूबसूरती ये ऊप्स के अंदर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ हो गया और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास इधर आ गया। अब इसका जो लास्ट फीचर था, जो लास्ट फीचर है हमारा, कि दिस कैन बी यूज टू रिटर्न अ करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड। हम ना दिस को यूज कर सकते हैं करंट क्लास के इंस्टेंस को भी रिटर्न करने के लिए। मतलब मैं करंट क्लास का इंस्टेंस मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ। अभी करंट क्लास का इंस्टेंस क्या होगा सोचे जरा, करंट क्लास का इंस्टेंस क्या हो सकता है देखते हैं। मैं यहां से ना पता क्या कर सकता हूं, अब मैं यहां से रिटर्न कर सकता हूं दिस को, और मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहता हूँ, सम नाम का। मतलब मैं अपना ही ऑब्जेक्ट अपने आप को ही रिटर्न कर रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ एक तरीके का, मैं तो सम नाम की क्लास हूँ ना एक, मैं खुद को ही रिटर्न करना चाहता हूँ। मैंने खुद को यहाँ से रिटर्न किया, अब क्योंकि मैंने यहाँ से खुद को रिटर्न किया तो मुझे कैच कौन करेगा। अब मैं यहाँ पे अगर खुद को रिटर्न करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे तो नहीं करते, इसे रखते हैं void। पब्लिक सम, और मैं यहां से खुद को रिटर्न करना चाहता हूं रिटर्न योर सेल्फ, एक रिटर्न योर सेल्फ करके मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर से मैंने रिटर्न कर दिया दिस। अब आप सोच रहे हो ये कब यूज करना पड़ सकता है, देखो मैंने यहां से रिटर्न किया योर सेल्फ, अब मैं ना इस दिस के सारे यानी कि मेरे को सम का एच टू मिला और मैंने एच डॉट रिटर्न योर सेल्फ को कॉल लगाया, इसने मुझे जो दिस रिटर्न किया उसको मैंने इसी नाम के वेरिएबल में कैच किया। इसी नाम के वेरिएबल में क्यों कैच करना चाहिए, इसका रीजन ये है कि आप यहां पर आओ और आपने जब यहां पे एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया तो इसने क्या करा, एक फाइव के एड्रेस पे जाकर अपने आप को डिक्लेयर कर लिया। जब आपने वहां से दिस रिटर्न करवाया ना तो जो S2 नाम का वेरिएबल है उसने भी क्या कैच करा, 5 के ही कैच किया। अबे 5 के वही कैच कर पाएगा ना जो इसके जैसा दिखता होगा, तो सम टाइप का ही होना चाहिए, वेरिएबल का नाम चाहे जो मर्जी रखो सम टाइप का ही होना चाहिए, क्योंकि एड्रेस सम टाइप के एक ऑब्जेक्ट का है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सम टाइप का है, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसी टाइप के ऑब्जेक्ट को ही तो हम रिसीव करवाएंगे, इसीलिए सम टाइप के एक ऑब्जेक्ट ने उसे रिसीव किया। अब ये रिसीव करके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं आपको एक फीचर दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इस दिस को कर दूँ प्रिंट, अगर मैं इस यहाँ पे दिस को कर दूँ प्रिंट और जो ये दिस यहाँ से रिटर्न हुआ है इसको मैं, और यहाँ से मैं क्या कर दूँ एस को प्रिंट कर दूँ और यहाँ से जो एस टू प्रिंट हुआ है अगर मैं इस एस टू को भी कर दूँ प्रिंट, तीनों का वैल्यू सेम प्रिंट होने वाला है। क्यों, देखो आपने सबसे पहले एस बनाया, एस बना फाइव के एड्रेस पर, तो मैंने यहाँ पे जाके 5 के प्रिंट किया, फिर मैंने रिटर्न योर सेल्फ से उसको बोला किया तुम रिटर्न करो। अब मैं क्लास के अंदर जाके एक मेथड कॉल करता हूँ रिटर्न योर सेल्फ, उसके अंदर क्या होता है वो पहले खुद को प्रिंट करता है एंड देन अपना एड्रेस प्रिंट कर रिटर्न करता है जो कि है 5 के, उस 5 के को रिसीव किया एस टू ने और एस टू ने ही उसे जाकर दोबारा प्रिंट कर दिया। तो घूम फिर के मैं 5 के भी तो खेल रहा हूँ, पहले 5 के बनाया फिर 5 के को प्रिंट किया फिर 5 के को रिटर्न किया फिर दोबारा प्रिंट कर दिया। अच्छा तो मतलब रिजल्ट तो सेम आना चाहिए, चला के देखें क्या क्या होता है। और ये रहा मैजिक, सबसे पहले जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो 5 के नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो 5 के ही प्रिंट हुआ। चलो इसको ना वहां लेके चलते हैं, अब बोर्ड पे लेके चलते हैं, उसको समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल गया, ये पता नहीं अजीब ही चीज हो गई। अब और इधर आते हैं, देखो इधर सबसे पहले क्या हुआ, और यहां पर ना मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है ये वाला, ये क्या कर रहा है इधर आकर इसने, सबसे पहले यहां पर इसने क्या करा, हाइट ये इसका x है, ये इसका y है, ये इसका हाइट है और ये इसका विड्थ है। ठीक है, देखो हाइट आया 4 और ये आया 5, ओरिजिन ऑफ मतलब x y है मेरा कोऑर्डिनेट 4 5 और हाइट विड्थ है मेरी कितनी 20 और 37। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बनेगा 20 × 37, तो 740 हो गया, और पैरामीटर कितना हो जाएगा 20 + 37 × 2, तो 144 हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आती पहले खुद को प्रिंट किया, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया होगा मैंने,
यहाँ पर एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि जब बना है मेरा हीप के ऊपर एंड वो बना है कुछ फाइव के एड्रेस के ऊपर, और उससे पहले एक ऑब्जेक्ट और बन रखा है मेरा ये आर वन नाम का, ये आर वन नाम का किसी फोर के एड्रेस पे बना होगा, ठीक है। इसके अंदर हाइट विड्थ एक्स वाई और सब कुछ है, यहाँ पर प्रिंट डायमेंशन करके एक मेथड भी है, ठीक है जी। तो अब इधर क्या हुआ, इधर जैसे आप आए और आपने एस के अंदर दिस पास किया तो आपने जिस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर, आपने इसमें कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उस कंस्ट्रक्टर ने दिस को रिसीव किया, मतलब उसने क्या रिसीव किया वहाँ पर एक्चुअल में फोर के रिसीव किया, फोर के रिसीव किया, और फोर के रिसीव करने के बाद अब देखो आपने यहाँ पे क्या किया, फोर के रिसीव करने के बाद आपने रेक्टेंगल इन्फो को पास कर दिया फोर के, इसने इस फोर के सारे एरिया प्रिंट करा, पैरामीटर प्रिंट किया और उसके डायमेंशन को प्रिंट कर दिया। क्या बिल्कुल सेम रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, पहले एरिया प्रिंट हुआ फिर रेक्टेंगल फिर उसके डायमेंशन प्रिंट हो गए, बिल्कुल सही। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने आते ही अपना एड्रेस प्रिंट किया, अब एस का एड्रेस कितना है 5K। फिर मैंने रिटर्न योर सेल्फ के अंदर भी यही सेम काम किया, देखो रिटर्न योर सेल्फ करके जो मैंने फंक्शन बनाया है उसके अंदर भी मैंने आते ही दिस को प्रिंट किया, मैंने आपको बोला था कि वो दिस एक्चुअल में कुछ नहीं एक एड्रेस ही होता है, तो उसने जाकर भी 5K ही यानी सेम एड्रेस प्रिंट किया और मैंने उसे दिस रिटर्न करवाया, और उस दिस को किसने कैच किया उसके जैसे दिखने वाले एक और ऑब्जेक्ट ने जो कि एस टू था, और इस S2 को प्रिंट करा, इसने भी सेम एड्रेस प्रिंट किया, यानी कि आप दिस को भी यहाँ से रिटर्न करवा सकते हो। दिस के सारे आप और भी चीज़ें कॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही काम करके रुक जाओगे। मैं यहाँ पे चाहूँ तो अब क्योंकि मेरे पास S2 है ना, मैं इस S2 के सारे उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोबारा प्रिंट कर सकता हूँ, पर वो मुझसे बोलेगा दिस पास करो, मैं इसको दिस पास कर देता हूँ। क्योंकि मैंने वहाँ से एक सम नाम का ऑब्जेक्ट वहाँ से रिटर्न लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर अब क्या कर सकता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोबारा प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब क्योंकि मेरे पास अगर एड्रेस आ गया तो मैं उसके किसी भी वेरिएबल को किसी भी मेथड को जब चाहे एक्सेस कर सकता हूँ, अगर मुझे एक्सेस करने का राइट है तो। इसी वजह से मैं वहाँ पे एक मेथड को एक्सेस कर पाया उस दिस के सहारे। तो आपको बस यहाँ पे एड्रेस का कॉन्सेप्ट समझना है कि आपके पास एड्रेस कौन सा आया है, आप उस एड्रेस के सारे उन सारे वेरिएबल्स को उन सारे मेथड को एक्सेस कर पाओगे जो कि पब्लिक होंगे या फिर आपको एक्सेस करने का राइट होगा अगर उनके पास। तो अब बार बार मैं राइट करने की इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ कि मेरे पास राइट है या नहीं, वो पब्लिक प्राइवेट वाली कुछ प्रॉपर्टी है जो आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए इतना समझते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक्सेस करने का राइट था, इसीलिए जब यहाँ से दिस नाम का ये फोर मतलब यहाँ से जब 5K नाम का जो एड्रेस है, जो इसका एड्रेस है बेसिकली, इस सम नाम के क्लास का जो एड्रेस है, जो एड्रेस कब अलोकेट हुआ था, जब मैंने इसको न्यू करके बनाया था तब ये एड्रेस अलोकेट हुआ और इस एड्रेस के सारे मैं इसे कॉल कर पाया, ये रीज़न है कि मैं इसको कॉल कर सकता हूँ वहाँ पर। अच्छा अब बाकी तो इसके बहुत सारी अरेंजमेंट बनाई जा सकती है, ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं सम नाम का जो ऑब्जेक्ट है ना नीचे ही डिक्लेयर कर दूँ और मैं उसको ना इसके अंदर एज अ पैरामीटर पास कर दूँ, मतलब कहने का मतलब कि मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल करके ना डायमेंशन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट कौन सा रिसीव करूँगा। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, एक रेक्टेंगल बना सकते हो और उसके अंदर सम करके एस नाम का एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर लो जो कि सम टाइप का है, एंड उसके अंदर आप ये सारे काम कर लो। ये जो भी मैं यहाँ पे काम कर रहा था ये काम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सम तो यहीं से रिसीव किया है, एंड अब देखो क्योंकि मैं यहाँ पे सम रिसीव कर रहा हूँ तो मैं एस डॉट इन्फो करके जो फंक्शन है उसे कॉल लगा सकता हूँ एंड उसके अंदर मैं दिस पास कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से दिस पास करा और मैंने उस फंक्शन में दिस पास करने वाला हूँ, कैसे, इधर आया एक सम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और इस पैरामीटर के अंदर, अब पैरामीटर तो पास करना पड़ेगा ना, साथ में S0 भी पास कर लेते हैं और इसके अंदर ना ये सारी इंफॉर्मेशन भी और पास करवा लेते हैं। अब देखो ऊप्स की बहुत खूबसूरत फीचर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इधर आए हम, ठीक है जी। अब मैं इन टेक्स पे आया और मैं आते ही सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, दिस डॉट इधर मैं दिस के अंदर एक्स कॉमा वाई कॉमा हाइट कॉमा डब्लू ये सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ पास करी और मैंने यहाँ पर एस डॉट प्रिंट रेक्टेंगल इन्फॉर्मेशन के अंदर दिस पास कर दिया, मतलब कि बेसिकली मैंने मेथड कॉल यूज़ करा। इसके अंदर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग वाली, इसके अंदर मैंने मेथड कॉलिंग वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली और यहाँ पे मैं उसको एज एन आर्गुमेंट भी रिसीव कर सकता हूँ, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर ली और इस प्रॉपर्टी के अंदर आते ही मैं रिटर्न योर सेल्फ करके अब इसके अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आया अपने सारे डायमेंशन प्रिंट करूँगा और फिर
डायमेंशन प्रिंट करने के बाद एक सम नाम का वेरिएबल एस टू करके बनाता हूँ और उसके अंदर से मैं एस डॉट रिटर्न योर सेल्फ मंगवाता हूँ और यहाँ पर एस डॉट एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करवा के उसमें दोबारा से दिस पास कर लेता हूँ। तो पहले दो लाइन चलाते हैं, देखो इधर क्या होगा, पहले प्रिंट करते हैं क्या प्रिंट होगा। अब मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ये कंस्ट्रक्टर जाके क्या प्रिंट करेगा, योर एडिशन रिजल्ट इज जीरो, बिल्कुल सही। फिर आपने 4, 5, 20, 37 पास किया और साथ में आपने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ये आते ही क्या करेगा, ये सारे डायमेंशन सेट करेगा और रेक्टेंगल इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करवाएगा। रेक्टेंगल इन्फॉर्मेशन यहाँ है इस क्लास के अंदर, इस क्लास में आती पहले एरिया प्रिंट होगा, फिर पैरामीटर प्रिंट होगा और फिर रेक्टेंगल डायमेंशन प्रिंट हो जाएगा एंड उसके बाद बस यहीं पर आकर रुक जाएगा। ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ से S2 को रिसीव करवाता हूँ, मैंने इसमें S के अंदर रिटर्न योर सेल्फ बोला, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सम का जो इंस्टेंस था वो रिटर्न करवा लिया और मैंने आकर यहाँ पर इस S के अंदर, इस S के अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोबारा प्रिंट करवाने की कोशिश करी, तो ये दोबारा से एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट कर देगा और ऑफकोर्स एक एड्रेस भी प्रिंट करेगा। और ये एड्रेस अगर आप यहाँ भी प्रिंट कराओ तो आपको क्या पता लगेगा, अगर आप यहाँ पे एड्रेस एस जीरो प्रिंट कराओ तो दोनों एड्रेस सेम आने वाला है। ये देखिए, ये एड्रेस और ये एड्रेस बिल्कुल सेम आया।